देखिए दोस्तों, इस साइड में भी बहुत सारा इक्विपमेंट लगाया जा रहा है और अभी एक्चुअली अनलोड ही किया जा रहा है गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से। तो उसको फिट फाइट करके पर रेडी किया जाएगा और एक्सपो के लिए तैयार किया जाएगा कल से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार्निवल व्लॉग में। इस वक्त मैं हूं खड़ा गांधी मैदान पटना में और यहां आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पे लगने जा रहा है एग्रो बिहार 2024। ये हर साल यहां पे लगता है और जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, उसके बारे में ब्रीफ दे रहा हूँ दोस्तों कि ये क्या है कि जितने भी किसान और किसानों से जुड़ा हुआ जितने भी इक्विपमेंट है उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, एक्सपो लगता है उसका। वहाँ पे बहुत सारे किसान आते हैं, अपने बिहार के स्पेशली बिहार को प्रमोट किया जा रहा है। वैसे तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट से भी लोग आते हैं और अपने अलग अलग प्रोडक्ट को जो कि किसानी में यूज़ होता है उन सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे शोकेस किया जाता है, दिखाया जाता है। आप उससे परचेज कर सकते हैं, बुक करा सकते हैं या आने वाले आप फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट में उसका यूज़ कर सकते हैं। और सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में बताने वाले हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो एक्सपो है, ये एग्रो 2024 जो इवेंट है दोस्तों, ये कल से यानी 29 नवम्बर से ये चालू होने वाला है। 30 नवम्बर को माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तरफ से, अपने बिहार के मुख्यमंत्री के तरफ से ये ओपनिंग होगा। बाकी ये जो पूरा एक्सपो है दोस्तों, ये चलने वाला है 2 दिसंबर तक। तो आप लोग फटाफट से आएँ, एंजॉय करें। अभी लगा नहीं है, मैं आपको एक ओवरऑल मैं टूर करा दे रहा हूँ कि किस तरह का लग रहा है, क्या जोरों शोरों पर काम चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर में और दिखाते हैं एक छोटा सा आपको टूर कि किस तरह का भी इसमें काउंटर वगैरह बन रहा है, एक्सपो के लिए क्या क्या तैयारियाँ हो रही है। तो इस तरह का भी लग रहा है, अभी लगा नहीं है, कल से ये चालू होएगा। और इस साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी इक्विपमेंट ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत पूरा बहुत बड़े स्केल पे ये एक्सपो लग रहा है दोस्तों, अपने गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दशमेश करके, ये पंजाब की कंपनी है, ये भी आई हुई है। और इस साइड में देखिए किसान इंजीनियरिंग वर्क्स जो कि अपनी बिहार की कंपनी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, वो यहाँ पे है। तो चलिए भैया से थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं इस कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। ये अपनी बिहार की कंपनी है ना? जी जी, तो बिहार की कंपनी है किसान इंजीनियरिंग वर्क्स। ओके, ये एक मैन्युफैक्चर कंपनी है। ओके, जो भी सामान है वो हमारे बिहार में निर्मित होती है। ओके, हमारा जो प्लांट है वो मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्री एरिया है, वहीं पे ये मैन्युफैक्चर होता है। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे बैनर में, बोर्ड में, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो भैया मैन्युफैक्चर करते हैं और ये सब टोटल प्रोडक्ट जो है वो बिहार का खुद के बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, उसके बारे में भैया बताएंगे कि क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट में ये है कि जो सामान अगर आप कहीं का दूसरे जगह का बना हुआ खरीदते हैं, तो सपोज दूसरे स्टेट का बना हुआ, दूसरे स्टेट का, लाइक जैसे पंजाब हो गया, लुधियाना या और भी कहीं का बना हुआ खरीदते हैं, तो आपको सपोज कि उस पर अगर 40% सब्सिडी होती है, और वही सामान अगर आप किसी भी बिहार मैन्युफैक्चर से खरीदेंगे जो बिहार में निर्मित है, उस पे 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है, यानी वहाँ पे आपको 50% तक सब्सिडी मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल, तो चलिए बाकी आपको और टूर करवाते हैं इस एक्सपो का। और यहाँ पे देखिए जोर शोर पे पूरा काम चल रहा है, चारों तरफ आपको ट्रक ही ट्रक दिखेंगे क्योंकि जितनी भी इक्विपमेंट है उसको ट्रक से लाया जाता है, हाथ से लाना पॉसिबल है नहीं। और इस तरह का देखिए हाइड्रा से इसको उतार के रखा जा रहा है, अभी सारा इक्विपमेंट को शोकेस किया जाएगा। और ये मानको जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक पंजाब की कंपनी है। और इस साइड में देख रहे हैं दोस्तों, ये है सोनालिका, हम सब की फेवरेट, और इनका भी यहाँ पे ट्रैक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस हो रहा है। काम पूरा जोरों शोरों पे चल रहा है क्योंकि कल ये एक्सपो चालू होने वाला है। देखिए बहुत यूनिक यूनिक सा इक्विपमेंट आया हुआ है, मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स। और इस साइड में जो है वो अपोलो टायर का है और उसका यहाँ पे काउंटर लग रहा है, शोकेस होएगा। इस साइड में भी बहुत सारी ब्रांड्स है और कुछ डेकोरेशन वगैरह है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कल्चरों को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, किसानी को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, फार्मर को कैसे सपोर्ट किया जा रहा है, वो सब सारी चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है। तो इस तरह से पूरा सजाया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है किसानों के लिए, ये भूमि संरक्षण के लिए ये पूरा तामझाम पूरा अच्छे से डिजाइन किया गया।
और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे है शक्तिमान करके ब्रांड है उनका, है ये इक्विपमेंट्स, ये टोटली फार्मिंग इक्विपमेंट्स है, काफ़ी हाईटेक है। सबसे अच्छी बात है ये काफ़ी हाईटेक है। और ये देखिए कुछ कुछ इक्विपमेंट तो वैसे रख दिया गया है, थोड़ा गंदा भी हो रहा है। आप बताइए दोस्तों, जो जो किसान भाई हैं वो बताएं कि ये क्या इक्विपमेंट है, किस काम में आता है। और यहाँ पे लग रहा है दोस्तों ग्रीनलैंड का श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स का आउटलेट। और इस साइड देखिए दोस्तों, इस साइड भी काम पूरे जोरों शोरों पर एकदम चल रहा है, पूरा पेंटिंग वेंटिंग का काम हो रहा है इस साइड में भी। और इक्विपमेंट देखिए यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है कुछ, देखिए इक्विपमेंट इस साइड में है और कुछ इस साइड में है। तो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और इस साइड में भी है दोस्तों, मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये एक्सपो किया जा रहा है, किसानों के लिए किया जा रहा है। और ये देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट है, और बहुत ही बड़े पैमाने पे ये एक्सपो को रेडी किया जा रहा है दोस्तों, बहुत ही बड़े पैमाने पे इस एक्सपो को तैयार किया जा रहा है। आपको बहुत सारे कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों, तो इस एक्सपो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और इस साइड भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाया गया है, चलिए आपके ऊपर चल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस साइड में भी बहुत सारा इक्विपमेंट लगाया जा रहा है, और अभी एक्चुअली अनलोड ही किया जा रहा है गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से, तो उसको फिट फाट करके पूरा रेडी किया जाएगा और एक्सपो के लिए तैयार किया जाएगा कल से। और कुछ इस साइड में रेडी हो रहा है, ये ट्रैक्टर है। और तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ट्रैक्टर को लगाया गया है, इसको भी शोकेस किया जा रहा है। ये मैसिव ब्रांड का है और काफ़ी बढ़िया है, मतलब ट्रैक्टर तो और बहुत सारे हैं, बट डे टू डे क्या है मार्केट में, कैसे अपडेट आ रहा है, उस अपडेट के साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट को शोकेस किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप सीट देखिए, इसका सीट कितना कम्फर्टेबल बनाया गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट सीट इस बार काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और बाकी आपको दोस्तों ये एक्सपो कैसा लग रहा है, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और क्या आप इस एक्सपो में आने वाले हैं अपने फ्रेंड के साथ में, फैमिली के साथ में, और यहाँ से इक्विपमेंट लेने वाले हैं, या फिर देखने वाले हैं, घूमने वाले हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। और कैसा लगा आपको वीडियो वो भी कमेंट में बताएं। और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये एक्सपो स्टार्ट होने वाला है 29 नवंबर से और चलने वाला है 2 दिसंबर तक या उससे ज्यादा। और ये जैसी ये पूरा एक्सपो लग के रेडी हो जाएगा, चालू हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा फिर से मैं उसका एक अपडेट दे दूँ, फिर से एक मैं उसका वीडियो बना दूँ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।